हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं इस वीडियो में जरूर शैक्षिक समाचार। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी और पहली खबर है आज की, वो ये कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर जो शेष रह गई थी परीक्षाओं का, उनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। तो 12वीं के जो पेपर होंगे वो 18 से 30 जून के दौरान होंगे। इसके साथ ही 10वीं के जो दो पेपर बाकी हैं उनमें सामाजिक विज्ञान का पेपर 29 जून को होगा और 10वीं गणित का पेपर 30 जून को होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रात्रि में ही ये टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि बोर्ड परीक्षाएं अब जून में होने जा रही है। 18 से 30 जून तक 12वीं के पेपर और इसके साथ ही 10वीं का पेपर जो है 29 और 30 जून को होगा। आगे दिखाते हैं आपको अगली खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई दोस्तों। तो प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए जो है अवकाश बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में 15 जून तक अब अवकाश रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ये लिया गया है फैसला। तो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकाल जो अवकाश उसकी अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि पूर्व में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में 16 अप्रैल से 31 मई तक अवकाश घोषित किया जा चुका था, तो अब इसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। आगे खबर है दोस्तों शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हमारे शिक्षक साथियों के लिए, वो ये है कि एक ही भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को असमान इंक्रीमेंट क्यों, हाईकोर्ट ने कहा है। एक ही भर्ती में अलग अलग समय नियुक्त हुए शिक्षकों को समान इंक्रीमेंट का लाभ नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस पी शर्मा की बेंच ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव व संयुक्त कार्मिक निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस संबंध में गजेंद्र कुमार व अन्य ने याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि संस्कृत स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में सफल हुए अभ्यर्थियों को 30 जून 2017 को नियुक्ति दी गई। उसी दिन भोजन अवकाश से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को 1 जुलाई 2019 को नियमित कर इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया व बाद में नियुक्त हुए शिक्षकों को 1 जुलाई 2019 को नियमित तो कर दिया लेकिन इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया। जो इस तरह का भेदभाव हुआ है इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में रिट भी लगाई। आगे खबर है दोस्तों वो इस प्रकार है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, वो ये है कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अब नहीं मिलेंगे रिपोर्ट कार्ड। कक्षा 1 से 8 व 9 से 11 के लगभग 3 लाख से अधिक विद्यार्थी बिना परीक्षा अगली कक्षा में पहुंच चुके हैं। तो इस बार 1ली से 8वीं के बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार जिले के 3,13,174 बच्चों को बिना किसी परीक्षा के सीधे आगामी कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अब स्कूल खुलने के बाद ही 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को क्रमोन्नति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ 9वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। खास बात यह है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया है। 50% अर्धवासियों को 50% शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, जिसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही फिलहाल ये जो आदेश जारी हुए हैं तो जैसे ही ये स्कूल ओपन होंगे तो उनको डाउनलोड करके हमें क्रमोन्नति के जो भी है प्रमाण पत्र वो देने होंगे। विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्रमोन्नत करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कक्षा 1 से 8 व 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए या आगामी कक्षा प्रमोन्नत किया जा चुका है। इन तीनों परीक्षाओं व सशैक्षिक गति उनके मूल्यांकन के आधार पर उनका परिणाम तैयार किया गया है। कक्षा 9वीं व 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 50% अर्धवार्षिक परीक्षा अंक और 50% सशैक्षिक गति उनके समग्र मूल्यांकन के अंदर बोर्ड परीक्षा में प्रमोट किया गया है। गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आगामी कक्षा क्रमोन्नत कर पीएसपी पोर्टल से ही प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उन्हें देना होगा विद्यार्थियों को। इसमें कोई छाया प्रति मान्य नहीं है। आगे खबर है दोस्तों शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, वो ये है कि 10वीं और 12वीं का जो टाइम टेबल जारी किया गया है उससे संबंध में है। तो राजस्थान बोर्ड द्वारा जो 10वीं 12वीं का कार्यक्रम शेष परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, तो वो इस प्रकार है कि 12वीं की शेष परीक्षाओं में गणित विषय की परीक्षा जो है गुरुवार 18 जून को, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग विषय की परीक्षा शुक्रवार 19 जून को, भूगोल व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा सोमवार 22 जून को, गृह विज्ञान विषय की परीक्षा मंगलवार 23 जून को, चित्रकला विषय की परीक्षा बुधवार 24 जून को, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थान साहित्य, फारसी अंग्रेजी विषय की परीक्षा 25 जून को, संस्कृत साहित्य विषय की परीक्षा शुक्रवार 26 जून और अंग्रेजी साहित्य हिंदी विषय की परीक्षा 27 जून को। इसके साथ ही नृत्य कथक वाद्य संगीत की परीक्षा सोमवार 29 जून को, मनोविज्ञान की परीक्षा 30 जून को होगी। वहीं 10वीं क्लास की शेष सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 29 जून को, गणित विषय की परीक्षा मंगलवार को 30 जून को होगी। माध्यमिक व्यवसाय की शेष रही परीक्षा 27 जून को होगी। उच्च माध्यमिक व्यवसाय की शेष रही परीक्षा 20 जून को होगी। प्रवेश शिक्षा की शेष परीक्षाएं 27 से 30 जून के मध्य होगी। वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा 18 से 30 जून के मध्य आयोजित की जाएगी। तो ये टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी खबर है वो ये है कि प्रोबेशन काल पूरा कर चुके कई शिक्षक साथी, 1200 शिक्षकों को नियमितीकरण का इंतजार है। मंत्री के पास
फाइल अटकी है। संस्कृत शिक्षा विभाग के करीब 1200 से अधिक शिक्षकों को नियमितीकरण का इंतजार है और इनका प्रवेशन इसी साल फरवरी में पूरा हो चुका है, लेकिन नियमितीकरण होने से इन शिक्षकों को कोरोना संक्रमण काल में भी फिक्स वेतन से ही काम करना पड़ रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 2017 में 33 श्रेणी पदों पर 1200 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन इन्हें 2018 में नियुक्तियाँ दी गई और फरवरी 2020 में इन सभी का प्रवेशन काल पूरा हो गया, लेकिन अब तक इनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इस वजह से विभाग के अनुसार करीब 400 शिक्षकों की फाइल मंजूरी के लिए मंत्री के पास भेजी थी, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री ने सभी शिक्षकों का आदेश एक साथ करने की बात कही है। शिक्षकों का कहना है कि यह काम निदेशक स्तर का है। राज्य में दो समान विभाग है। शिक्षा विभाग में प्रवेशन पूरा होने पर पंचायत स्तर पर ही उन्हें नियमित वेतन श्रृंखला में स्थिरीकरण के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षकों को कम वेतन पर ही संतुष्ट करना पड़ रहा है। तो प्रवेशन पूरा कर चुके शिक्षकों का अभी तक वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, संस्कृत शिक्षा विभाग से खबर है। तो इस तरह से आज की ये खबरें थी दोस्तों शैक्षिक समाचार के रूप में। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें जानकारी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।